आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज 5.3 को हल करना देखेंगे। तो सभी छात्र देखें प्रश्न नंबर एक, इसमें हमको एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 0 इसको हल करना है। तो ये आपको फार्मूला मालूम होगा सभी छात्रों को, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें b की वैल्यू है 0 प्लस माइनस, b है 0 माइनस 4 और a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 3 अपॉन 2 इंटू 1। इसको और सिंपल कर लेंगे तो प्लस माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 2। इसको हम देखते हैं कि सिंपल करने पर 4 इंटू 3 है, यहाँ पर कितना है 4 इंटू माइनस 3 अपॉन 2। तो इसको हम देखते हैं कि x इक्वल आ जाएगा आपका, 4 कॉमन आ जाएगा बाहर तो 2 और अंदर बचेगा माइनस 3 अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया तो इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3। तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 इंटू रूट माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 और रूट माइनस 1 कितना होता है i, ये आपके आंसर हो गए। क्लियर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन फोर्थ करेंगे। तो हम यहाँ पर फार्मूले में डायरेक्ट रखिए आप मान x इक्वल टू बी कितना है माइनस 1, बी इक्वल टू 1 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है माइनस 1, सी कितना है माइनस 2 अपॉन 2a, 2 इंटू माइनस 1। इसको थोड़ा और सिंपल करेंगे माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 और माइनस 4 माइनस 8 अपॉन माइनस 2। इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 7 अपॉन माइनस 2। इसको हम और सिंपल करते हैं तो ये आ जाएगा आपका रूट 7 इंटू आई अपॉन माइनस 2, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको फिफ्थ एवं सिक्स्थ क्वेश्चन भी करना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। तो इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका यहाँ पर है माइनस, b कितना है 1 तो यहाँ माइनस 1 आ गया प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है रूट 2 और c कितना है रूट 2 अपॉन 2a, 2 रूट 2। इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं 1 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 4 2 हो जाएगा और 2 इंटू 4 कितना 8 अपॉन 2 रूट 2, ये हो जाएगा आपका माइनस 7 अपॉन 2 रूट 2। इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं ये हो जाएगा आपका रूट 7 आई अपॉन 2 रूट 2, तो ये आपका आंसर हो गया। सभी छात्र इसी प्रकार से नाइन्थ और टेंथ क्वेश्चन, इसमें भी वही फार्मूला जो आपका है x की वैल्यू निकालने का, उसमें ए बी सी के मान पुट करेंगे और हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की जो वैल्यू आएगी वो कॉम्प्लेक्स के रूप में रहेगी, ठीक है। और इसमें दो मान होंगे प्लस माइनस रूप में, ज़्यादातर देखा होगा इसके दो मान प्लस माइनस के रूप में रहते हैं। तो सभी छात्र करने की कोशिश करें। थैंक यू।